मियाँ तो छोटे मियाँ, बड़े मियाँ भी है नाशा, सहमे सहमे रहते हैं, करते रहते हैं फरियाद। नहीं नहीं, अरे नहीं यार, तुम बात को समझने की तो कोशिश किया करो यार। तो मेरा मतलब ये नहीं है, मैं लाखों में एक लड़का ढूंढ के लाके दिखाऊंगा। हाँ हाँ, शर्त क्या? होटल में? ओ भाई, होटल वोटल में नहीं, घर में ठहरोगे, घर में मेरे साथ। यार भाई के होते हुए तुम ऐसी बातें करोगे यार? नहीं नहीं, आज आज बस ठीक है, बस तुम आ जाओ, फिर बैठ के बातें करेंगे। हाँ, बस ठीक है, अल्लाह अल्लाह। क्या हुआ ससुर जी, सुबह सुबह इतना मुंह लटका के क्यों बैठे हुए? मेरे दोस्त बाहर से आ रहे हैं यहाँ पाकिस्तान, अपनी बेटी की शादी कर रहे हैं, वो भी इकलौती बेटी। वो 200 मिलियन डॉलर की जायदाद के मालिक हैं। हाँ, 200 मिलियन डॉलर। और जिस लड़के से शादी करेंगे ना, जो दामाद बनेगा, उसको आज जायदाद दे देंगे। ससुर जी, मेरी बात चलाए ना, आधी दौलत आपको दे दूंगा पक्का। आइडिया तो बहुत अच्छा है। ओबे हो, ओ अगर तूने मेरी बेटी की जिंदगी तो खराब कर दी है, अब क्या उसे तबाह भी करना चाहता है? वो मैंने तो ऐसे ही कह दिया ससुर जी, ऐसे ही कह दिया। वो क्यों ना कुछ ऐसा काम करें कि रिश्ता भी हो जाए और दौलत भी हमारी जेब में आ जाए। वो कैसे? अब क्यों ना उसका रिश्ता हम करवाएं, और जिससे करवाएं वो हमारा आदमी होगा। हमारा आदमी? अबे कोई गैंग चला रहा है तू? हमारा आदमी, हमारा आदमी। अरे नहीं नहीं नहीं, नहीं ससुर जी, मैं सोच रहा था क्यों ना उसकी शादी मुजम्मिल से करवा दें। मुजम्मिल से उससे शादी करवाने का फायदा ही होगा कि उसकी दौलत हमारे कब्जे में आ जाए। मुजम्मिल से? अबे देख भाई लड्डू, वो अपनी बेटी की शादी करने आ रहे हैं यहाँ, वो केटू के पहाड़ के नीचे दबाकर मारने नहीं आ रहे हैं। ससुर जी, अब इसमें ऐसी बुराई भी क्या है? सिवाय इसके कि मुजम्मिल तुम्हारा दोस्त है और कुछ नहीं। अगर फिर भी आप एक बार ठंडे दिमाग से सोचिए तो सही, सोचिए ठंडे दिमाग से सोच। जी जी शेराजी साहब, ठीक है, मैं समझ गई हूँ आपकी बात, बस नुकसान नहीं होना चाहिए। चल भाई। अच्छा जी, अल्लाह हाफिज़। ये लीजिए गर्मा गर्म चाय बेगम। काम बताइए, काम। काम बताइए। जी हाँ, आप इतने चुस्त दुरुस्त तो हैं नहीं कि बिना मांगे चाय दे देंगे, जरूर कोई ना कोई काम होगा, काम बताएं आप। बेगम मैं ये कह रहा था कि वो मेरे दोस्त है ना, वो पक्के वाले जलालुद्दीन, वो अमेरिका वाले। हाँ हाँ हाँ, अमेरिका वाले, वो पाकिस्तान आ रहे हैं आज। तो मैं क्या करूँ? असल में बेगम, क्या आप नहीं चाहती कि हमारे इस घर के बजाय एक महल हो, हमारी गाड़ी के बजाय हेलीकॉप्टर हो, हम छुट्टी मनाने पेरिस जाएं, बाल कटाने अमेरिका जाएं, खाना खाने चाइना जाएं? आप बर्तन धोने के लिए किचन में जाएं? नहीं 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 बेगम, जरा सोचे आप, अगर ऐसा हो तो फिर कैसा हो? मगर ऐसा होगा कैसे? बस उनकी खातिरदारी में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। बस बस, मैं रुपए पैसे की बर्बादी नहीं होने दूंगी, क्योंकि आज तक आपका कोई प्लान कामयाब तो हुआ नहीं। मगर बेगम वो तो अमेरिका से आ रहे हैं ना। अरे तो क्या जरूरी है कि वो हमें बर्बाद करके ही जाएं? अच्छा ठीक है, मैं खुद संभाल लूंगा। सुनिए, बिजली पानी और गैस के बिल की आखिरी तारीख है। हाँ। आज ही जमा करा दीजिएगा। जाइए मेरी अलमारी में से जाके पैसे लीजिए और बिल जमा करा के आइए। बहुत लंबी लाइन होती है। अरे कुछ भी हो, बहुत काम चोर है भाई, लंबी लाइन होती है। अरे ससुर जी, कहा ये बिल जमा कराने जा रहा हूँ, आज आखिरी तारीख है ना।
आखिरी तारीख है? हाँ। और वो बिल तो आखिरी तारीख के बाद भी भर दिए जाते हैं, थोड़े ही पैसे एक्स्ट्रा लगते हैं। सुसर जी जरा सोचें, जलाल साहब के करोड़ों रुपए कुछ ही दिनों में हमारी जेब में होंगे। लेकिन लेकिन जब तक अगर बिजली कट गई तो? एक बार पैसे हमारे हाथ में आ गए तो बिजली हमारी, गैस हमारी, टेलीफोन की कंपनी हमारी, हम लोगों को बिजली बांटेंगे, बांटेंगे हम उनको। यार अरे सुसर जी, ये मुझे दीजिए, मैं संभाल लूंगा, आप फिक्र क्यों करते हैं, और बिल भी भर दिए जाएंगे बाद में आराम से। हैं आप 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 जाएं, अरे अरे आप जाएं, अरे हो जाएगा, जाएं। यार यार समझ, अब देखना ससुर जी, आपका ये लड्डू आपको सोने के लड्डू कैसे खिलाता है, सोने के लड्डू। मेरा बहुत ही अच्छा दोस्त है बचपन का, बस करता बात है। अरे आओ भाई आओ, जोरू के गुलाम। यार जोरू के गुलाम, यार ये तेरी मजाक की आदत गई नहीं है। और तुम्हारी मजाक बनने की। माशाल्लाह माशाल्लाह, भाई भाभी तो तुम्हारी बेटी जैसी लगती है। हेलो अंकल, हाय आंटी, हाय। जीती रहो बेटा, जीती रहो, आप तशरीफ रखिए ना। बैठ यार, बैठ 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 बेटा। माशाल्लाह भाई माशाल्लाह, कितनी प्यारी बच्ची है। अगर मेरा कोई बेटा होता ना तो इसको अपनी बहू बना ले। अरे है ना वो बेटा है ना अपना, अरे वो लड्डू का दोस्त नहीं है मुजम्मिल वो। अरे भाई इतना प्यारा, इतना सीधा, इतना 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 सारा, इतना सारा, सारा बहुत सारा। हाँ हाँ भाई भाई, उसका सरनेम है मुजम्मिल सारा हुसैन। मुजम्मिल सारा हुसैन, ये कैसा था? तो बात ये है कि जब मुजम्मिल पैदा हुआ ना तो उसकी माँ चल बसी। सो नहीं, सोई नहीं, सोई नहीं, मर गई, मर गई बेचारी। I mean, so what happened to them? उसकी माँ मरी ना तो उसके बाप ने बेटे के नाम में माँ का नाम भी शामिल कर दिया, मुजम्मिल सारा हुसैन। Really अंकल? मेरे ख्याल से अब आप लोगों को आराम करना चाहिए। मेरा भी यही ख्याल है। आप अरे हाँ, वो तुम लड़के का जिक्र कर रहे हैं। हाँ हाँ वो हाँ वो हाँ हाँ वो लड्डू गया वाले ने लेके आता ही होगा, मैंने बुलवा लिया था उसको। आओ मैं तुम्हें कमरे तक ले चलो, आ जाओ आ जाओ आ जाओ बेटा आ जाओ। गुलाम जी जी, इन्हें कमरे में पहुंचा के आप मेरे पास आइए। ठीक आ जाओ। एक दो तीन चार पांच, पूरे 5,000 दे रहा हूँ। अगर ससुर जी पूछे तो कह देना कि 10,000 दिए हैं, समझ गया? तो तू अपने ससुर को लूट रहा है? हाँ ससुर को लूट रहा हूँ, वो भी तो अपनी बेगम को लूट रहे हैं। ओहो, इसका मतलब है सारी आइडियाज तू ही देता है उनको। देख भाई तेरा कोई लेना देना नहीं है इन सब चीज़, सिर्फ एक बात याद रख, मैं और ससुर जी तुझे जो कहेंगे तुझे उस पर अमल करना है, लड़की एकदम पड़ जाएगी तुझसे। वो तो सही है, जो तुम लोग कहोगे वो मैं करूँगा। वैसे कोई वजह नहीं है लड़की मना करे तेरे भाई की पर्सनैलिटी देखकर। हाँ वो तो नजर ही आ रहा है, कोई वजह नहीं होगी। या अल्लाह तेरा ही आसरा है ये हो जाए किसी तरीके से। चल अब अंदर चल चल, अबे पर्सनैलिटी तो बना दे। अरे चल तू भाई। मुजम्मिल ये है मेरे बचपन के लंगोटिया यार, फटे पुराने। जलालुद्दीन असगर। लड़के को देखा तो? अबे यार तुम ये मोटे दुबले से क्या लेना भाई यार, अरे भाई शराफत होनी चाहिए भाई। हाँ ये बात तो बिल्कुल ठीक है। हाँ और अमेरिका जाते तो मैं खत्म करवा दूंगा, और देखते देखते ये अदनान समी बन जाए। अरे अंकल, अगर ये अदनान समी बन सकता है
तो मैं तो फवाद खान बन सकता हूँ। नहीं बेटा, फवाद खान को लड्डू मना है। लैला बेटी, ये है मुजम्मिल। ओह, यू मीन मुजम्मिल सारा हुसैन। मुजम्मिल सारा हुसैन? सारा हुसैन कौन है? अरे बेटा, तुम्हारी वालदा जो तुम्हारी पैदाइश के वक्त वफात पा चुकी है, उनका नाम था सारा। अम्मी मर गई? हाँ 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 हाँ, ये बात पुरानी हो गई ना, तो अब वो याद करना नहीं चाह रहा उस बात को। वो अंकल क्या है ना, मुजम्मिल सारा हुसैन दिल का बहुत कमजोर है, बहुत कमजोर है। पहले बता देता कि मेरे साथ करना क्या है। मेरी अच्छी भली माँ को मार दिया। ओह सो क्यूट। बस मैं ऐसा ही हूँ। हाँ हाँ, ऐसा ही है, ऐसा ही है। भाई गुलाम बेगम, मेरी बेटी को मुजम्मिल पसंद। अपनी बेटी की आंखों का ऑपरेशन अमेरिका में करवाइए। क्या मतलब? मेरा मतलब है कि वो भाई बड़ी खुशी हुई, बड़ी खुशी हुई यार। हाँ, मैंने फैसला किया है कि कल ही दोनों का निकाह करके आधी जायदाद अपने दामाद के सुपुर्द करके मैं वापस चला जाऊंगा। अस्सलाम वालेकुम जनाब, जलालुद्दीन अकबर साहब। अरे भाई, जलालुद्दीन अकबर नहीं, जलालुद्दीन असगर है ये। अच्छे खासे आदमी को अकबर बादशाह बना दिया तुमने। बैठो तुम, बैठो बैठो बैठो। अरे भाई, मुझे लगता है कि बच्चे ने मेरे अंदर के इंसान को पहचान लिया। बच्चे ने? अगर बहुत सारे बच्चे कहते तो समझ में आती मेरी बात। खबरदार, अगर मेरे होने वाले दामाद को कुछ भी कहा तो ठीक नहीं होगा। तो क्या रिश्ता मंजूर? हाँ, तो और क्या, क्या यहाँ मैं तरबूज खरीदने आया हूँ? नहीं, खरीदा तो वैसे तरबूज ही है तुमने। अंकल आप फिर? जी आपने बुलाया? जी जी जी, बैठिए। शुक्रिया शुक्रिया। मुझे आपसे पूछना था, आपको मुझसे शादी में कोई इतराज तो नहीं है ना? शादी मुझसे? वाकई मुझे आप ही जैसा क्यूट हस्बैंड चाहिए था। अल्लाह सच्ची? हाँ, बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आपसे। हाँ हाँ, बोले बोले। क्यों रो रहे हो भाई? लैला तुम्हारे साथ पार्लर गई थी, कहाँ है वो? गई तो मेरे साथ ही थी पर वापस नहीं आई। क्या वापस नहीं आई? जायदाद तो उसके नाम लिख दी गई है ना। सारी लड़कियां बॉलर से निकल निकल के गाड़ियों में बैठ के गई है। सिर्फ एक ही लड़की थी जो बाइक पे गई है। तो उसको क्यों नहीं देखा तुमने? अरे वो घूंघट में थी है? आपको तो पता है, अगर वो कोई और निकलती तो ऐसे में तो सारे के सारे भाई बन जाते ना। बहुत पिटाई लगती। आए मेरी लड़की। तू रो क्यों रहा है? जायदाद तो तेरे नाम होगी ना, चुप कर। नहीं। क्या आपको मुझ पे भरोसा नहीं है ना? अरे आपने ये क्या कह दिया, हरगिज़ ऐसा नहीं है। अगर ऐसा नहीं है तो आपने मेरी जायदाद अपने नाम क्यों करवाई? अरे इतनी सी बात भाई, आपकी जायदाद आप ही की है। अगर ऐसी बात है तो फिर लीजिए, इन पेपर पे साइन कर दीजिए। हाँ हाँ, इतनी सी बात, ये लीजिए। अरे so cute, same to you जी। क्या? यानी उसने अपनी मर्जी करी ली? क्या लड्डू, अबे ये बेवक्त लाइट क्यों चली गई? सुसर जी, ये बेवक्त लाइट नहीं गई,
बिल नहीं भरा ना, लाइट काट गई। गुलाब मियां तो छोटे मियां, बड़े मियां भी है नाशार, सहमे सहमे रहते हैं, करते रहते हैं फरियाद। घर दामाद के घर दामाद, घर दामाद के घर दामाद, घर दामाद।